नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल इंडियन टेस्ट में। दोस्तों अब मैं आपके सामने फिर पेश हो गया एक नई रेसिपी के साथ में। दोस्तों आज इंडियन टेस्ट की रसोई में दोस्तों चने दाल का तड़का बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम और आप मिल करके चने दाल का तड़का बनाते हैं, वो भी ढाबे में मिलने वाले डबल तड़के वाली चने दाल की रेसिपी। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों मैंने 1 कप चने दाल को भिगो रखा है लगभग 1 घंटा पहले। ठीक है, कम से कम इसे आधा घंटा जरूर भिगो रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जब ये भीग जाएगा उसके बाद फिर 2 से 3 बार इसे हम लोग वाश करके इसके पानी को हम लोग निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं जैसे मैंने 2 से 3 बार अच्छे पानी से, साफ पानी से धो लिया हूँ और सारे पानी को ड्रेन कर लिया हूँ। चलिए दोस्तों अब आगे का प्रोसेस करते हैं। देख सकते हैं जैसा कि कुकर मैंने चढ़ा दिया है और इसमें सारी चने दाल को डाल देंगे, और चना दाल आप जितना लीजिए उसका लगभग 3 गुना पानी उसमें डाल देंगे। लगभग 1 कप चना दाल हमने लिया था, उसके 3 कप हम लोग इसमें पानी डाल देंगे। लगभग पूरी चने दाल इसमें डिप हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर 1/4 चम्मच हम लोग हल्दी पाउडर ले लेंगे और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ खड़े मसाले डाल देंगे हम लोग, इसको इसमें डाल देंगे ताकि इसमें इससे इसका फ्लेवर जबरदस्त बढ़ जाता है। ठीक है, लास्ट में फिर हम लोग इसमें 1/2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। इससे क्या होता है, इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है, साथ ही साथ जब कुकर में सीटी लगती है तो दाल बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए दोस्तों चलिए इसे बंद करके 2 सीटी तक इसे हम लोग पका लेंगे। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों कि 2 सीटी लग चुकी है। अब इसके ढक्कन को लोग बंद ही रहने देंगे, सारे कुकर के गैस को रिलीज होने देंगे। ठीक है, तब तक हम लोग दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। कढ़ाई चढ़ा लिया, देख सकते हैं जैसा कि गैस में जब गर्म हो जाएगा तो 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो कुछ खड़ा जीरा डाल देंगे हम लोग इसमें। ठीक है, उसके बाद फिर अदरक और लहसुन को बिल्कुल बारीक कटा हुआ डाल देंगे। इसका पेस्ट यूज नहीं करना, ध्यान रखना है। 1 इंच अदरक और 10 से 8 लहसुन की कलियों को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। ऐसे बिल्कुल हाई फ्लेम में रोस्ट कर लेंगे। और उसके बाद 1 बड़ा प्याज बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करके इसे भी मैं डाल दूंगा। और उसके बाद जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसमें 1/4 चम्मच हम लोग हल्दी पाउडर डाल देंगे। साथ ही साथ उससे पहले हम लोग इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च ले लीजिएगा। ठीक है, मुझे तीखा पसंद है ज़्यादा, इस चलते मैंने ज़्यादा तीखा लिया है। अब उसके बाद फिर हम लोग 1/4 चम्मच फिर से हल्दी पाउडर ले लेंगे और 1/2 चम्मच हम लोग काश्मीरी लाल मिर्च अभी डाल देंगे, जिससे इसका रंग काफ़ी अच्छा आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा देर इसे भूनने के बाद में फिर हम लोग 1 बड़ा टमाटर बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करके इसे डाल देंगे और फिर स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। साथ ही साथ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। ध्यान रखिएगा, नमक हम लोग पहले भी डाल चुके हैं, इसलिए ध्यान को रखते हुए उसी हिसाब से नमक डालिएगा। फिर से अच्छे प्रकार से मिक्स करने के बाद में फिर से हम लोग ढक करके इसे हम लोग लगभग 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम में पकने देंगे। और तब तक के लिए देख सकते हैं दोस्तों कि गैस कुकर के लीज हो चुका है और ये देखिए हमारी दाल पक चुकी है। इसमें जो खड़े मसाले हैं, सारे खड़े मसाले को हम लोग निकालेंगे। देख सकते हैं दाल बिल्कुल पक चुकी है और ये खड़े खड़े भी बिल्कुल दाना दाना अलग है, इसी प्रकार का होना चाहिए, पूरा मैश नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो मैश होने से पता ही नहीं चलेगा कि किस दाल की ये तड़के वाली दाल बनाया गया है। ठीक है, सारे गरम मसाले को निकालेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर दाल में आ चुका है। अब जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं कि मसाले भी हमारे भुन चुके हैं, इसे मैं अच्छे प्रकार से मिक्स कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिक्स करने के बाद में फिर इसमें हम लोग पके हुए चने दाल को हम लोग इसमें डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम में इसे हम लोग 5 से 7 मिनट तक लिए इसे हम लोग बिल्कुल अच्छा से पकने देंगे। ठीक है, अगर आपको लगे कि आपकी ग्रेवी कम है तो आप पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन गर्म पानी का यूज कीजिएगा इसमें। चलिए इसे हम लोग 7 मिनट तक लो फ्लेम में पकने देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं कि हमारी चने दाल बिल्कुल एक तड़के वाली चने दाल बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसमें हम लोग दूसरा तड़का भी लगाएंगे। उससे पहले दोस्तों इसके टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए हम लोग 1/2 चम्मच गर्म मसाला डाल देंगे। ठीक है, और मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में फिर इसे और स्वाद को इन्हेंस करने के लिए इसमें हम लोग हरी धनिया पत्ती डाल के फिर से हम लोग इसे मिक्स कर देंगे और देख लेंगे। आप ग्रेवी अपने अनुसार से रखिएगा क्योंकि थोड़ी देर के बाद फिर पानी हल्का रहने दीजिए क्योंकि ये सोख लेता है पानी। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए तड़के वाला पैन चढ़ा लेंगे, इसमें 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे और फिर इसमें कुछ खड़ा जीरा डाल देंगे। साथ ही साथ हम लोग खड़े लाल मिर्च डाल देंगे और 1/2 चम्मच लगभग काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। जब ये चटक जाएगा तो काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और तुरंत गैस को हम लोग बंद कर देंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। ठीक है, गैस को मैंने बंद कर दिया। अच्छी अच्छी प्रकार से मिक्स करने के बाद में चलिए दोस्तों इसमें हम लोग दूसरा तड़का लगा देते हैं, जो अधिकतर ढाबे वाले चने दाल फ्राई में डाला जाता है।
तो दोस्तों ये देखिए हमारे डबल तड़के वाली चने दाल की रेसिपी तैयार हो गई है। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों नमस्कार।